राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चाएं जारी है। सवाल ये बहुत बड़ा है कि क्या गहलोत को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि विधायकों के इस्तीफे को लेकर जो बवाल मचा सीपी जोशी पर कई सारे आरोप अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। दरअसल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पिछली वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में आपसी गुटबाजी और झगड़े के नाम पर नौटंकी हो रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस नौटंकी को राजस्थान की जनता पिछले 2 साल से देख रही है। हालत यह है कि पूरे मामले को लेकर इस्तीफे देने की नौटंकी का काम कांग्रेस विधायकों ने किया। विधानसभा अध्यक्ष स्पष्ट रूप से या तो इस्तीफे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। अगर वे इस्तीफों को रखकर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष पर प्रश्न चिन्ह लगता है, यानी कि सीपी जोशी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या वो पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्हें फैसला करना चाहिए। चतुर्वेदी बोले, अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान बीजेपी जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएगी और राज्यपाल के पास जाकर संवैधानिक स्थिति के समाधान की बात करेगी। चतुर्वेदी ने जयपुर में अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अपने घर के झगड़े के कारण दो सालों तीन महीने तक सरकार बाड़े में रही। सरकार ने जनता की चिंता नहीं की, चाहे बिजली, पानी, सड़क, विकास, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सबकी हालत चौपट कर रखी है। आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम बदलने और सचिन पायलट को नया सीएम बनाने की आशंका में गहलोत को समर्थन देने वाले विधायकों ने 25 सितंबर को सीएम निवास पर बुलाई गई कांग्रेस ऑब्जर्व की मौजूदगी वाले विधायकी दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। विरोध में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर गहलोत खेमे के विधायक जुटे। वहां रणनीति तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सिविल लाइंस निवास पहुंचकर उसी रात विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से उनके निवास पर मौजूद रहकर सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए थे। इन इस्तीफों पर फैसला ले करना पेंडिंग है। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे मंजूर करने की मांग को लेकर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने क्लेम किया कि 92 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे सौंपे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी एक दिन पहले कहा कि सरकार या तो बताए कि यह पाखंड है, अगर हकीकत है तो स्पीकर इस बात के लिए अपील करें कि वह इस्तीफे मंजूर करें। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। 102 में से 92 इस्तीफे होने के बाद विधानसभा अध्यक्षों को संविधान और नियमों के अनुसार उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये सारी बातें निकल कर सामने आई। अब सरकार लगातार काम कर रही है और दूसरे विधायकों ने इस्तीफा दे रखा है। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीपी जोशी यानी कि जो विधानसभा के अध्यक्ष उन पर कई आरोप लगा रही है कि कहीं ये पार्टी के लिए मिलकर काम तो नहीं कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सियासी राजनीति में और क्या बड़े हेरफेर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।